फायदा नहीं होता है इसको यूज करके। दोस्तों अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ इस तरीके के मार्क्स है अगर आपके फेस पर, तो आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए सुना होगा कि आप द डर्माको का 2% कोजिक एसिड सीरम यूज करके देखिए अपने फेस पर, तो ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकता है। तो आज इसी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू एंड डेमो आपसे शेयर करने वाली हूँ, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये प्रोडक्ट वर्थ द मनी है भी या बस वही कोई फायदा नहीं होता इसको यूज करके। तो दोस्तों ये है द डर्माको का 2% कोजिक एसिड फेस सीरम फॉर डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। इसमें है 1% अल्फा आर्ब्यूटिन कोजिक एसिड नायसिनमाइड, और डे और नाइट में आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज पैराबेन एंड SLS फ्री डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 30 ml, और इसका प्राइस है 500 rupees, और ये 2 years की शेल्फ लाइफ के साथ आता है। And this product is proudly made in India. Product is sulfate free, dye free, paraben free, mineral oil free, और बाकी ingredients आप इसके यहाँ पर check कर सकते हैं दोस्तों। कि इसमें लिखा है पैच टेस्ट जरूर करें इसको यूज करने से पहले, और इसमें कोजिक एसिड है एंड इसमें अल्फा आर्ब्यूटिन है, नायसिनमाइड है जो कि पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट से फाइट करता है, आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है। दिस इज द आउटर पैकेजिंग, ये एक ग्लास की फ्रॉस्टेड काइंड ऑफ बॉटल में आती है, ड्रॉपर के साथ आती है, एंड दिस इज द सीरम, बिल्कुल पानी की तरह इसका सीरम है जैसा कि आप देख सकते हैं। The consistency of the product is very watery-like texture. ये बहुत ही ईजली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, डजंट मैटर, कोई भी स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये स्किन में बिल्कुल गायब सा हो जाता है, चिपचिपा फील नहीं होता है एज़ यू कैन सी। तो दोस्तों अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ इस सीरम को अपने फेस पर। उससे पहले मैंने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया है, और इस सीरम को डे एंड नाइट दोनों वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। वैसे डे एंड नाइट दोनों वक्त अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा रैपिड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सीरम हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट्स को भी फेड आउट करता है, जिससे आपकी स्किन क्लियर एंड हेल्दी नज़र आती है, और एक यूथफुल ग्लो भी आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। इसका वॉटरी लाइक स्ट्रक्चर इजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके और भी बेहतर रिजल्ट्स देखने के लिए दोस्तों आप इसका फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। कोजिक एसिड फेस वॉश भी आता है डर्माको में, वो भी आप यूज कर सकते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स और भी ज्यादा रैपिड रिजल्ट्स देखने के लिए। वैसे आप सिर्फ इस सीरम को भी अप्लाई करेंगे तो ये सीरम काफी अच्छे से आपकी स्किन पे वर्क करता है और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये फेस सीरम बहुत ही अच्छा है आपके हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हाइपर पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है दोस्तों, एंड इस रेंज में आपको इसका फेस वॉश भी मिल जाएगा, तो आप उसके साथ भी इसको पैरअप करके यूज कर सकते हैं। ये फेस सीरम बहुत ही अच्छा है एंड इट्स अ वेगन ब्रांड, द डर्माको इज अ वेगन ब्रांड एंड इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड इन स्किन केयर इंडस्ट्री। और ये सीरम बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आपने देखा कि अभी मैंने इसको अपने फेस पर अप्लाई किया, एकदम से गायब हो गया ये स्किन में, बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है एंड ये स्किन में बिल्कुल गायब सा हो जाता है ना, स्किन चिपचिपी लगती है ना ऑयली लगती है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, डे एंड नाइट में आपको इस सीरम को यूज करना है, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन योर स्किन इफ यू यूज इट रेगुलरली फॉर 2 to 3 months। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिड्यूस योर हाइपर पिगमेंटेशन, योर डार्क स्पॉट्स, मेकिंग योर स्किन लुक्स इवन टोन एंड फ्लॉस। तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। 110% रिकमेंडेड प्रोडक्ट बाय मी, एंड या इसका बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा। डू फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड ट्विटर एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक टू, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।